जवाब हमें मिला जी, इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है। अच्छा। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये राज्य 30 वर्ष हो गया अलग होने के बाद, लेकिन आज तक यहाँ पर पैसा एक्ट जो शेड्यूल एरिया में है, पैसा एक्ट लागू नहीं हो पाया, आज तक इसका नियमावली नहीं बना महोदय। और जो जवाब मिला है इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, गोल मटोल जवाब है महोदय। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ये माननीय मंत्री जी ये बताए कि कब तक पैसा एक्ट लागू होगा, ये नियमावली कब तक बनेगा, ये उल्टा पुल्टा जवाब से नहीं चलने वाला है। माननीय मंत्री जी, आज वहाँ के आदिवासी लोगों का जमीन छिना रहा है, आज वहाँ पर जल जंगल जमीन बर्बाद हो रहा है, एसपीटी एक्ट को कोई नहीं मान रहा है। माननीय मंत्री जी, तो इसी तरह अगर आप देखा जाए शेड्यूल इलाका में तो सारे के सारे एकल पद जो है उसको रिजर्व कर दिया गया और इसी के तहत चुनाव हुआ। और अभी जो है जो वर्तमान स्टेटस जो है वो हम कहना चाहेंगे, पेशा नियमावली परिवर्तन 15 विभाग की सहमति अपेक्षित है, जिनमें 12 विभाग का जो है हमें मिल गया है, शेष विभागों का मिलने के बाद लागू कर दिया गया। और कुछ पूछना है माननीय मंत्री? 15 विभागों में से 12 विभाग का रिपोर्ट आ गया है, 3 विभाग का आएगा, हम लोग करें। महोदय 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 पूछिए पूछिए। मैं ज्यादा पूरक नहीं पूछना चाहता हूँ, मेरा स्पष्ट कहना है कि ये सरकार इसका नियमावली कब तक बनाएगी और कब तक इसको सरकार कब तक नियमावली बनाना चाहती है और कब तक एक समय निर्धारित करे कि कब तक ये पैसा एक्ट को ये शेड्यूल एरिया में पांच अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना चाहती है। ठीक, चलिए महोदय, समय सीमा खंड 5 में सारी बात बताया गया है कि यहाँ 15 विभागों में से 12 विभाग का रिपोर्ट आ गया है, 3 विभाग जो है अब तक रिपोर्ट नहीं दिया, जैसे रिपोर्ट आ जाएगा हम लोग इसको सार्वजनिक रूप से इसको लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे, बहुत जल्द। माननीय मंत्री से इनका कहना है कि जब जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा, कब आएगा रिपोर्ट, कब तक आपका रिपोर्ट आएगा और कब तक में आप बता। महोदय, हमने कहा कि 12 विभाग का आ गया, 3 विभाग का रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाकर सार्वजनिक किया जाएगा, हम तो बता रहे हैं। हो गया माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आपका जवाब मिल गया सर। कहाँ सुन पाए सर, फिर बोल दीजिए और एक बार बोल दीजिए, उसको रिपीट कर। हम ज्यादा इसीलिए पहले बोला ज्यादा अनुपूरक। महोदय, हाँ, हमने कहा कि 15 विभागों में से 12 विभाग का रिपोर्ट आ गया, 3 विभाग जो शेष है उसको भी जल्द मंगाकर पब्लिकेशन किया जाएगा। महोदय, और आज इसका सही सही जवाब हम 2 शब्द में सुनना चाहते हैं इनसे। आप हेडफोन लगाइए, हेडफोन सर, आप हेडफोन लगाइए, हेडफोन लगाइए, हम सुनने के टाइम लगाते हैं। महोदय महोदय, ये नियमावली कब तक बनाएंगे और किन किन विभाग से नियमावली नहीं आया है उस उत्तर नहीं जानते, कितने दिनों के अंदर में आपका नियमावली आएगा और कितने दिनों तक, समय सीमा बता दीजिए कि कितने दिनों के अंदर में ये पैसा एक्ट लागू होगा। ठीक, लगाइए हेडफोन लगाइए, सुनिए। महोदय, मैंने साफ शब्दों में कहा 15 विभागों में से 12 विभाग का आ गया है, 3 विभाग शेष है, मैंने कहा कि बहुत जल्द इसका मंगाकर नियमावली बनाकर नहीं मंत्री जी। हाँ। आप जल्द बार बार बोल रहे हैं, जल्द का मतलब क्या है ये बता दीजिए, कल होगा, परसों होगा, साल भर के बाद, 5 साल के बाद होगा, ये कब होगा, आपको ये टाइम निर्धारित बता दीजिए, 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में आपका नियमावली बनेगा और इतना तारीख तक में, इतना तारीख तक में। माननीय सदस्य खुद भी मंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी जवाब उठा कर देख लीजिए, तो थन तन समय ऐसा कभी कोई मंत्री दे नहीं सकता है, ऑफिशियल मैटर है, विभाग से लाना है फिर बैठना है, इसलिए माननीय सदस्य खुद मंत्री रह चुके हैं, उनका जवाब को देखे, कभी बोला कि हम परसों कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, संसदीय परंपरा नियम ये भी नहीं है। मैंने आश्वस्त किया सदन में आपके माध्यम से कि हम इसे बहुत जल्दी लाने की काम करेंगे, बस इतना ही हम जवाब देंगे। लवीन बाबू, ऐसा जवाब नहीं, ऐसा जवाब हम नहीं सुना चाहते हैं, जवाब ऐसा और वैसे हम लोग जवाब देते हैं, ऐसे हम दिन तारीख तक कैसे तय कर पाते हैं, हमको ठीक है चलती सत्र में। महोदय, एक काम हम कर सकते हैं कि माननीय सदस्य को आश्वस्त करने के लिए चलती सत्र में विभाग के लोगों को बुलाकर एक समीक्षा करके इनको बता पाइए, बहुत बताओ।
ठीक ठीक बैठ, हम नहीं बैठेंगे। चलते सत्र में मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, आप मंत्री रहे हैं, काफी वरिष्ठ हैं। हम ऐसा मंत्री नहीं, नहीं, नहीं सुनिए, हम ऐसा मंत्री नहीं थे। समय सीमा हमको बता दीजिए, समय सीमा बता दीजिए। आप सुने बोले कि हम चलती सत्र में विभाग को मांगा करके बुला करके पूछते हैं, उसके बाद इसमें कितना समय लग सकता है बाद में बता देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।